हाँ फ्रेंड्स, सीएससी के माध्यम से आप सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, सीएससी का जो आप सीएससी आईडी लिए हैं उसका सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे देखिए हमने डाउनलोड किया है। यहाँ पे लिखा है कॉमन सर्विस सेंटर, यहाँ पे डिजिटल इंडिया का लोगो है, इसके बाद यहाँ सीएससी का लोगो है, इसके बाद यहाँ पे हमारा नाम लिखा गया है, इसके बाद डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस हमारा क्या है यहाँ पे दिया गया है, इसके बाद सेंटर का नाम जो है यहाँ पे दिया गया है, इसके बाद हमारा फोटो है जिस तारीख का हमने डाउनलोड किया यहाँ पे दिया है, इसके बाद यहाँ पे हमारा सर्टिफिकेट वेरीफाइड है, इसके बाद यहाँ पे हमारा सीएससी आईडी और क्यूआर कोड लगा है। तो इस तरह से आप भी अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं सीएससी का। उसके लिए सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है, वहाँ पे लिखना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है register.csc.gov.in। इसके बाद आपको माई अकाउंट पे क्लिक करना है। माई अकाउंट पे जैसे आप क्लिक करेंगे, इसके बाद देखिए यहाँ पे लॉग इन टू योर अकाउंट, यहाँ पे देखिए वांट योर अपडेट योर बीएलई प्रोफाइल डिटेल्स, इंटर द फॉलोइंग एंड प्रोसीड। यहाँ पे आपको जो आपका सी एस सी आई डी है आपको अपना सी एस सी आई डी डाल देना है। इसके बाद आप फिंगरप्रिंट से आईरिस से स्कैन करना चाहते हैं तो हम फिंगरप्रिंट से करेंगे। यहाँ पे हम सी एस सी आई डी डालने के बाद इसके आप फिंगरप्रिंट सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद यहाँ पे दिया गया कैप्चा अगर समझ में नहीं आ रहा है तो रिफ्रेश कर लेना है, फिर यहाँ पे आपको कैप्चा कोड डालना है, इसके बाद यहाँ आपको चेक मार्क लगाना है, स्क्रॉल करना है नीचे, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं मैं नीचे उल्लिखित आधार कार्ड का धारक हूँ, UIDAI के माध्यम से प्रमाणीकरण के लिए अपना आधार और नाम प्राप्त करने की सीएससी ई गवर्नमेंस इंडिया लिमिटेड सीएससी को अपनी सहमति देता हूं। यहां पर आप सूचना पढ़ सकते हैं, इसके बाद सबमिट भी क्लिक कर देना है। सबमिट पे जैसे क्लिक करेंगे ऐसा इंटरफेस आएगा, यहाँ पे सीएससी का लोगो लिखा रहेगा, यहाँ पे आपको देखिए आधार नंबर विथ VID, यहाँ पे UID टोकन, तो यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन दिया, OTP माध्यम, फिंगरप्रिंट, आईरिस, तो हम यहाँ OTP फिंगरप्रिंट से किए हैं तो फिंगरप्रिंट रहने देंगे, इसके बाद यहाँ चेक मार्क लगा देंगे, इसके पे यहाँ पे देखिए स्टार्ट कैप्चा हमारा ओपन हाईलाइट हो गया, इसी पे हम क्लिक करके अपना फिंगर को कैप्चर कर देंगे। इसका टाइमिंग है जो 15 मिनट रहेगा, 15 मिनट के अंदर आपको स्कैन करना है, स्कैन पे जैसे क्लिक करेंगे वहाँ कैप्चर फिंगर, यहाँ पे आपका फिंगर लगाएंगे आपके अपने डिवाइस में, इसके बाद देखिए यहाँ पे सक्सेसफुली हो गया कैप्चर, सक्सेसफुली वेरीफाइड फिंगर यहाँ पे लिख रहा है, इसके बाद रीडायरेक्ट कर देगा आपको सीएससी पोर्टल पे। इसके बाद देखिए यहाँ पे लॉगिन होने के बाद ऐसा इंटरफेस आएगा, यहाँ पे आपका नाम लिखा रहेगा, स्टेट आपका लिखा रहेगा, इसके बाद मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आपका डेट ऑफ बर्थ, जेंडर क्या है, सीएससी आईडी, यहाँ पे स्टेटस में आपका 1-2 दिखेगा, अकाउंट डिटेल्स है लॉन्ग है, तो हमें सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है, तो यहाँ पे देखिए प्रोफाइल, KYC अपडेट, इसके बाद यहाँ पे आप लॉन्ग आपको जो भी आपका मैपिंग है इसे इसके बगल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट पे आपको क्लिक कर देना है, सर्टिफिकेट पे आप जैसे क्लिक करेंगे आपका यहाँ पे सर्टिफिकेट आ जाएगा, यहाँ आप डाउनलोड कर सकते हैं या प्रिंट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना सीएससी का सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर फेसबुक देख रहे हैं फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।